इस स्टोरी को सुनकर कुछ समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो तो मैं शॉर्ट में बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो पिछले काफी समय से आर्या को हल्के में लेके चल रहे थे, लेकिन फिर आया 1 अगस्त 2020 और 2020 को आर्या मैनेजमेंट ने एक ऐसा गरम कंकड़ लाया जिसे बूस्टर बाइनरी का नाम दिया गया। अब वो जो लीडर्स आर्या को आज तक हल्के में समझ रहे थे, वो मतलब उसे हल्के में समझते हुए वापस नहीं समुद्र में फेंक दिए। बहुत ऐसे लीडर हैं जो पिछले 6 महीने, 1 साल, 2 साल से पेशेंस के साथ में आर्या में वर्क कर रहे थे, इनकम ले रहे थे, लेकिन वो चाहते थे कि और बड़ी इनकम आए। और आर्या मैनेजमेंट निरंतर इस पे रिसर्च करते हुए आगे बढ़ रही थी कि कभी ना कभी एक दिन ऐसा गर्म कंकड़ हम अपने लीडर्स को देंगे जो 1 महीने में जिंदगी बदल देगी। और वो वक्त आया, वो सुनहरा दिन आया, वो सुनहरा अवसर आया बूस्टर बाइनरी डेली बाइनरी पे आउट के रूप में। लेकिन कुछ नादान ना समझ लीडर्स मंकी जंपिंग करना शुरू, उनकी आदत थी, वो समझ नहीं पाए कि बूस्टर बाइनरी का पावर क्या है। और वो इसी गफलत में, इसी गलतफहमी में वो इस शानदार बूस्टर बाइनरी को भी समुद्र में फेंक दिए। अब उनके हाथ से जब ये वापिस समुद्र में चला गया, वो पछता रहे हैं। सर, ये बूस्टर बाइनरी आपके पास में वो गरम कंकड़ जैसा है जो आपको गिने हुए 2 से 3 महीने में लाखपति बना सकता है, जिसपे आज मैं डिटेल्स जितेश जी से रिक्वेस्ट किया, बहुत डिटेल्स। आज इतना शानदार बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन होने वाला है जिसका कैलकुलेशन शायद अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है। ये सही है कि आप लोग बूस्टर बाइनरी पे आउट को कर रहे हैं, इनकम ले रहे हैं, लेकिन कितना और इनकम ले ले सकते हैं, या सिर्फ 3 महीने की मेहनत में आप कितने बड़े इनकम ले लेंगे। मतलब 3 महीने में आप लाखपति बन जाएंगे और 1 साल में आप करोड़पति बन सकते हैं। ये पावर है, आज उसी पावर को डिटेल्स में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं और कुछ चंद शब्द आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं, और एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ में मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। जिंदगी उनकी बदलती है, ध्यान से समझिएगा, जिंदगी उनकी बदलती है जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। जिंदगी उनकी बदलती है जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, वरना जितेश गाडिया जी हो या विवेक बिंद्रा जी, किसी भी बड़े ट्रेनर या मोटिवेशनल स्पीकर के सिर्फ बातें सुनने या मीटिंग अटेंड करने से आपकी ना किस्मत बदलेगी ना जिंदगी बदल सकती है। टू बी फैक्ट, फैक्ट इज फैक्ट। जितेश जी के पिछले कई एपिसोड्स को बहुत सारे लोगों ने सुना, लेकिन कुछ लोग पूरे कहते हैं कि तन और मन से कंसंट्रेट होकर सुना, और उनकी पे आउट आज पर मंथ की 50,000, 60,000 है। जो मेरे स्पीच को सुन रहे हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, उन खास लोगों को, कि अपने टीडीएस रिटर्न फाइल को निकलवाएं और ग्रुप में शेयर करें। लेकिन कुछ वैसे भी लोग हैं जो बात को हल्के में लिए, वो ठंडे कंकड़ जैसा, और समुद्र में फेंक दिए, और अब उनको पछतावा लगता है। तो मेरे दोस्तों, कौन सी बात कब आपके जीवन को बदल देगी यह कहना मुश्किल है। इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि एवरी सैटरडे, हर शनिवार को ये 2 घंटे का एपिसोड आप देख लीजिए। मैंने कहा था कि आने वाले 3 से 6 महीने में आपको लखपति बनने से, आपको मिलेनियर बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति, महाशक्ति नहीं रोक पाएगी। यह है बूस्टर बाइनरी प्लान की ताकत। मैं अगला एक और लाइन थॉट्स कहना चाहूंगा आप लोगों के लिए। किस्मत के लकीरों के भरोसे ना बैठ ये मेरे दोस्त। किस्मत के लकीरों के भरोसे ना बैठ ये मेरे दोस्त, जिनके दो हाथ नहीं थे किस्मत तो मैंने उनकी भी बदलती देखी है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो किस्मत के भरोसे बैठे हुए हैं। किसी पंडित जी ने उन्हें बता दिया है कि नहीं यार, तुम्हारे में राजयोग लिखा हुआ है, तू अमीर बन जाएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, उस पंडित जी, उस मौलाना साहब, उस पादरी को भी देखिए, वो भी कर्म करते हैं तभी उनके पास में धन आती है। धन का संबंध सीधा कर्म से है। कर्म करोगे तो धन आपके पास में आएगी। कर्म नहीं करोगे, केवल किस्मत के भरोसे बैठे हुए हो, जन्म कुंडली में आपने देखा है कि राज योग है, और आप कह रहे हो अभी हम कर्म नहीं करेंगे, तो राज योग आपको मिलने वाली नहीं है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, किस्मत के लकीरों के भरोसे ना बैठ ये मेरे दोस्त, जिनके दो हाथ नहीं थे किस्मत तो मैंने उनकी नहीं बदलते देखी है।
आपने भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कि दो हाथ वाले भीख मांग रहे हैं और एक हाथ से विकलांग रिक्शा चला रहा है। ये तो अपनी अपनी आइडियोलॉजी है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप लीगल और जेन्युइन प्लान में स्टेबल होकर के मेहनत करना चाहते हैं और दो तीन साल में अपने कैरियर बनाना चाहते हैं, या किसी फ्रॉड फेक मनी सर्कुलेशन प्लान में रातों रात अमीर बनने के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं। सिर्फ अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं 22 साल से 22 ईयर से इस इंडस्ट्री में हूं और ऐसे लाखों हजारों कंपनियों को मैंने देखा है जो जब आती है बड़े जोश खरोश के साथ में आती है, लेकिन जब जाती है तो दर्दनाक अनुभव देके जाती है। कंपनी के मैनेजमेंट डायरेक्टर की कुछ भी नहीं बिगड़ती है, जो लोकल लीडर अपने आप को होशियार और बुद्धिमान समझ करके उनका प्रमोशन करते हैं, उनके घर में जरूर गांव वाले पहुंच के गाली गलौज करने लगते हैं। कितने लोगों को जेल जाना पड़ा है, कितने लोग अभी भी जेल के अंदर में हैं, फिर भी कुछ समझदार लोग इन सारी घटनाओं को देख करके समझते हैं कि हम उनसे ज्यादा समझदार हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो कि मैं हमेशा कहता हूं, शैतान कभी अपना असली चेहरे पे नहीं आता है। अगर शैतान अगर अपने गंदे चेहरे को लेकर के आ जाएगा तो इंसान सावधान हो जाएगा। इसलिए शैतान हमेशा हमारे वेशभूषा में, हमारे कल्चर में एक प्रलोभन लेके आता है और लंबी लंबी लालच ये कह के देता है कि यार तू आर्या में पिछले 6 महीने से काम कर रहा है, कितना पे आउट आया है, तो आओ 1 महीने में तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। तुम 1 साल से काम कर रहे हो, आर्या छोड़ यहाँ आओ, किस्मत बदल जाएगी। अगर मेरी आवाज आज उन लोगों तक जा रही है जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं मनी सर्कुलेशन प्लान में, तो मैं आज कहता हूं, मेरी बात को आप रिकॉर्ड कर लीजिए कि आने वाले 6 महीने में वो लीडर या तो आपके एक जगह से छोड़ करके कहीं दूसरे जगह शिफ्ट होने वाले हैं, या फिर उनको केस मुकदमा या गाली गलौज सुनने के लिए तैयार रहना होगा। आप इस बात को नोट कर लीजिए, मेरी बात को आप रिकॉर्ड कर लीजिए। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर लीडर्स के सोच में नेगेटिविटी या कंफ्यूजन आ जाती है, देखिए ये हादसा, ये घटना कब घटती है, जब इंसान कुछ काम कर रहा है और कभी कभी ऐसा होता है कि एक आम का पेड़ आप लगाते हो, एक बगीचे में आपने 10 आम का पेड़ लगाया, कभी कभी भी आप देखते हो कि उस 10 आम के पेड़ में से 5 आम के पेड़ में आपके आम आने शुरू हो गए और 5 पेड़ में आपके आम नहीं आ रहे हैं। माली समझता है कि कोई पेड़ जल्द फल देता है और कोई पेड़ देर से देता है, लेकिन वही एक ना समझदार माली कहता है कि इसको कबाड़ के फेंक दो, और जब अगर उसको उखाड़ के फेंक दोगे तो फिर वो फल कभी नहीं देने वाला है। इसलिए कभी कुछ वक्त किसी को इंतजार करना पड़ता है, किन्हीं को सफलता 2 महीने में मिल जाती है, किन्हीं को 2 साल भी लगती है, लेकिन अगर सच के राह पे आप चल रहे हो, निरंतर आप प्रयास कर रहे हैं, तो ये कन्फर्म है कि आपकी जीत पक्की है। क्योंकि हमें भी देश की आजादी, हमारे हिंदुस्तान की भी आजादी के लिए हमें 200 वर्षों तक अंग्रेजों के साथ में फाइट करना पड़ा, तब जाकर के हिंदुस्तान आजाद हुआ। अगर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर, हमारे पूर्वज अगर अपनी पेशेंस को खो जाते और वो भी इस जंग को लड़ना छोड़ देते, तो शायद आज हम आजाद नहीं, गुलाम होते। तो ये बहुत सारी एग्जाम्पल है जिसे आप बकवास समझ सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं खास बात और कहना चाहूंगा, माय डियर आर्यन, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मेरी या जितेश जी की बातें, थॉट्स पसंद नहीं आती होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 4-5 दिनों से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कुछ ऐसा रिप्लाई मिल रहा है, जिसे मैं यहाँ जूम कॉन्फ्रेंस में ओपन नहीं कर सकता हूं, लेकिन कुछ ऐसा नेगेटिव रिप्लाई मिल रहा है। इसलिए मेरा यह मैसेज खास करके वैसे नेगेटिव रिप्लाई करने वाले लीडर्स से है, और जो यहां सुन रहे हैं उनसे भी है, कि अगर मेरी बात या मैनेजमेंट की बात, सत्येंद्र जी की बात या फिर जितेश गाड़िया जी की बात, अगर उनकी बात, उनका एडवाइस, उनका थॉट्स, उनका सजेशन या मेरा थॉट्स, एडवाइस, सजेशन अच्छा नहीं लगता है, मेरी वैसे सारे लीडर से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो हम लोग उनकी बात को फॉलो ना करें। वो एक बेकार और बकवास फ्लॉप सीरियल या फिल्म समझ करके भूल जाइए और आप फॉरगेट कर लीजिए।
लेकिन जिन लोगों को लगती है कि नहीं, राजेश सर की बात को सुनकर के, जितेश जी की बात को सुनकर के, सत्येंद्र सर की बात को सुनकर के, मैनेजमेंट में जो बताया जाता है उनकी बात को सुनकर के आपकी अगर जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि आर्य हमेशा से सत्य के राह पे चला है और सत्य की राह पे चलेगा। कठिनाइयां तो डे फर्स्ट में बहुत थी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा वजूद खड़ा होगा आर्या का, लेकिन आज मुझे फक्र है और मैं सैल्यूट करता हूं अपने समस्त उन आर्यन और कर्मवीरों को कि जिन्होंने विश्वास मुझ पे रखा। और आज 11th अक्टूबर कमिंग मंथ में हम लोग 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और 8वें साल में सक्सेसफुली विदाउट एनी किसी भी प्रकार का, कोई नहीं कह सकता है कि मेरा 1 रुपया का पेआउट आज नहीं मिला है। वो पेआउट का अमाउंट 1 रुपया का हो, चाहे 1 लाख रुपया का हो, चाहे 3 लाख रुपया का हो, सभी का पेआउट टाइम से मिला है। एक छोटा सा अवार्ड की बात हो, घड़ी की बात हो, या कार या बाइक की बात हो, तो मैनेजमेंट ने बहुत जल्द, मतलब एचीवमेंट के 1 से 1.5 महीने के अंदर में सेमिनार में जाकर के उनको दिया है। ये हम लोगों ने एक सच्ची इतिहास और मिसाल बनाई है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की दुनिया में, जहां पे लोग आज पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जहां पे अपने अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में झगड़ा और फसाद करते हैं, वहां पे हम लोगों ने सत्य की कर्तव्य निष्ठा का एक मिसाल कायम किया है। और ये मेरा पर्ण है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आर्या हमेशा सत्य की राह पे चलेंगे, चाहे कितने भी कंस और रावण पैदा हो जाए, हम हर कंस और रावण का मिलकर के आर्यन बद करेंगे। आज वेबिनार में पार्टिसिपेट करने वाले को मैं और मैसेज देना चाहूंगा। पिछले 2 दिनों पहले मुझे कुछ ऐसे लीडर्स के बारे में पता चला जो कहने को आर्या में हैं, अच्छे ढंग से आर्या में काम कर सकते थे, अपने परफॉर्मेंस को कर सकते थे, लेकिन उन्हें आर्या घर की मुर्गी दाल बराबर लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि आर्या झारखंड और बिहार के एक छोटे से शहर धनबाद से शुरू हुई है। ये कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली में नहीं है, इस कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में नहीं है, बैंगलोर में नहीं है। और कुछ लोग तो कहते हैं सर इंडिया का नहीं, अगर फॉरेन की कंपनी होती तो मजा आ जाता। तो सर लोकल को वोकल बनाइए, तभी हमारे देश तरक्की में जाएगी। और बुरा नहीं मानिए, आज इस जूम कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले लोग, या कहें इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले किसी भी कंपनी में जो भी लीडर्स होते हैं, उनके 95% लीडर्स रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र और छोटे शहरों के होते हैं। बेंगलोर के, मुंबई के, भिलवाड़ा के या पंजाब के सिर्फ चंद प्रमोटर्स लीडर बैठे होते हैं, और वो लेकर के बिहार के मधुबनी, दरभंगा और सीतामढ़ी और झारखंड के राज्यों, अलग अलग जिलों में और कस्बों में जाकर के आपसे बिजनेस करवाते हैं। और आज पिछले 12 साल 15 साल, मैं ओपन कह रहा हूं, आप उठा के इतिहास देख लीजिए कि छोटे शहरों से कभी एक बड़े लीडर को जन्म नहीं हो पाया है। आर्या का डे फर्स्ट 11th अक्टूबर 2013 से ही मिशन था कि हम बड़े शहरों पे तो जरूर जाएंगे, लेकिन पहले छोटे शहरों से शुरुआत करें, हम उनको मौका दें जिनके अंदर में टैलेंट था, प्रतिभा थी, पर उन्हें इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका नहीं मिला। इसीलिए झारखंड के शहर से महेंद्र सिंह धोनी ने एक ऐसा इतिहास रचा कि पूरी दुनिया आज सैल्यूट करती है और हम भी सैल्यूट करते हैं। सर उसी झारखंड की छोटे से शहर इस धरती से आर्या की शुरुआत हुई, और आज जो रन रेट है, जो आज बैटिंग का आप देख रहे होंगे स्पीड है, नो डाउट आज हम लोग बेंगलोर, मुंबई, पंजाब या कोई अपने आप को वाशिंगटन या मलेशिया की कंपनी कहने वाली है, उनको भी पीछे छोड़ने पे अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कई कंपनियां मनी सर्कुलेशन के नाम से प्रलोभन देती है, कई कंपनियां ऐसे हैं जो प्री लॉन्चिंग के नाम से प्रलोभन देती है। ऐसा भी इतिहास मैंने पिछले 10 वर्षों में देखा है, कहती है कि मैं कोरियन कंपनी हूं, कोई कहती है मैं अमेरिकन कंपनी हूं, और वो क्या करती है, माइक प्लीज अनम्यूट रखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ी आपको नॉलेज मिलने वाला है। और जिनको मैं कहा कि लगता है कि मेरी बात बकवास है, माय डियर फ्रेंड्स, मैं गुजारिश करता हूं, मेरी बात हो, चाहे जितेश जी की बात हो, चाहे मैनेजमेंट आर्या मैनेजमेंट की बात हो, आप उसको फॉरगेट कीजिए, भूल जाइए, समझिए कि आपने एक फ्लॉप फिल्म देखा था। लेकिन अगर आर्या पे विश्वास है तो मैं ये इतना जरूर कह रहा हूं कि कभी भी कितनी भी घनी अंधेरी रात हो जाए, सुबह होने को नहीं रोक सकता है, और सुबह जरूर होगी आपकी जिंदगी में, सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि राम को भी 14 वर्ष की वनवास में जाना पड़ा था, और यहां भी ऐसा झेलना पड़ सकता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग लीडर्स
जो प्री लॉन्चिंग कंपनियों के पीछे पड़े हुए अपने आईडिया को लगाकर, क्या आपको अच्छा लगता है आप कीजिए, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन इस प्री लॉन्चिंग का भी खेल मैं 10 वर्षों में कम से कम ऐसे 50 कंपनियों का देख चुका हूं जो प्री लॉन्चिंग के नाम पे या तो रजिस्ट्रेशन करके आपका डेटा ले ले रहा है, आपके टीम का नंबर ले लेता है, बाद में आपके जान पहचान वाले टीम को तोड़ देता है, या फिर ज्वाइनिंग के नाम पे आपसे कुछ रजिस्ट्रेशन फीस लेकर के कि लॉन्चिंग करेंगे तो प्याउट निकलेगा, उससे पहले वो फरार हो जाती है। आप इतिहास उठा के देखिए, मेरी बात पे डायरेक्ट यकीन मत कीजिए, और फिर भी समझ में नहीं आती है अपने आप को, आप समझते हैं कि नहीं मैं बुद्धिमान हूं और मैं प्री लॉन्चिंग के नाम पे मैं वहां अपना समय देना चाहता हूं। मेरी शुभकामना वैसे लीडर के साथ में है, आप आर्या को घर की मुर्गी दाल बराबर ही समझिए, आप जाइए वाशिंगटन की कंपनी प्री लॉन्चिंग में काम करके देखिए, अगले साल मैं आपसे बात करूंगी कि आप कहां पे थे और बिहार या झारखंड से शुरुआत करने वाले, आसाम से शुरुआत करने वाले, मणिपुर से शुरुआत करने वाले छोटे कस्बे के लीडर्स कहां पे हैं। तो मैं आज कुछ पॉजिटिव मैसेज आप लोगों के साथ में देने की कोशिश की, और आज बिजनेस प्लान का बहुत ही डिटेल्स नॉलेज मिस्टर जितेश जी आप लोगों को देने वाले हैं, जो आप देखेंगे तीन महीने में आपकी लाइफ को मिलेनियर बना देगा। बस मैं इतना कहता हूं कि अगर आपके पास में हेजिटेशन नहीं है, आपके पास में एक्सक्यूज नहीं है, आप झूठ नहीं बोलते हैं, आप आर्या के प्रोडक्ट को यूज करते हैं, आप टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, पक्का है कि ये दिसंबर 2020 फिनिश होने से पहले आप आज जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आज बात समझ में आ गई तो सबके बैंक अकाउंट में मिनिमम 5-10 लाख ये बूस्टर बाइनरी से जाने वाली है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा एलोवेरा को लेकर के, एलोवेरा जैसा कि आप में से बहुत लोगों को नॉलेज होगा, फिर भी मैं आज इस बात को शेयर कर रहा हूं, एलोवेरा हाईली एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। हाईली एंटीऑक्सीडेंट बोले तो हमारे शरीर के तमाम विटामिन मिनरल्स जितने अमीनो एसिड्स, देयर आर सो मेनी, हर कुछ एलोवेरा के अंदर में है। एलोवेरा को आप माँ कह सकते हैं, माँ के दूध से, दूध के बाद में अगर कोई बोला गया है इस धरती पे कोई अमृत है तो वो अमृत है एलोवेरा। ये जरूर है कि हम लोग इस मिलावटी युग में सस्ते की चाहत में बहुत सारी कंपनियां आपको सस्ता में बेचने के चक्कर में, क्योंकि हम सस्ता में अच्छा खोजते हैं, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। चीप एंड बेस्ट डे फर्स्ट से आर्या के डिक्शनरी से मैंने निकाल के फेंक दिया है। जो अगर कहते हैं दुकानदार को मुझे चीप एंड बेस्ट में दिखाइए, चीप में बेस्ट नहीं हो सकता, बेस्ट कभी चीप नहीं हो सकता, ये समझ जाइए। तो आर्या 8 साल से एलोवेरा पे रिसर्च कर रहा था, मेरी भी शौक थी, मेरी भी इच्छा थी कि एलोवेरा लाया जाए, लेकिन एक ऐसा एलोवेरा जो मैंने कहा पल्प बेस हो, और ये प्लानिंग को मैंने सफल किया इस बूस्टर बाइनरी आने के बाद में। तो एलोवेरा हाईली एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स है, कैसा, जस्ट लाइक एप्पल, अगर आप सेब को डिसेक्शन कर दीजिए, कटिंग करके अगर आप 5 मिनट छोड़ देते हैं तो देखिए उसके ऊपर में एक रेडनेस का लेयर आ जाता है, एक लाल दाग पड़ जाता है, क्यों, एप्पल इज आल्सो हाईली एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स, बहुत ज्यादा वो एब्जॉर्ब करता है। जैसे हमें अपने जीवन के जरूरत के लिए शरीर में तमाम विटामिन्स और पोषक तत्वों की जरूरत होती है, वैसे इस एयर में फ्लोटिंग करने वाले तमाम तरह के बैक्टीरिया, कीटाणु, वायरस को भी जरूरत होती है अपने लिए पोषक तत्वों की। और वो क्या होता है, जब इतने हाईली एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट अगर वहां मिलता है खुले रूप में तो उससे वो अट्रैक्ट होकर चिपकना शुरू कर देते हैं। प्लीज माइक म्यूट रखें, बहुत मैं इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। तो एलोवेरा जो है, मैंने देखा पिछले 10 दिनों में मैंने कुछ लीडर से बात की तो मुझे लगा इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो गलत है, इसलिए मैं आखिरी बात ये बता करके मैं आगे का माइक जितेश जी को देना वाला हूं कि एलोवेरा का यूज मतलब आफ्टर ओपन द केप, अगर इसको खोलते हैं इस्तेमाल करने के लिए, प्लीज माइक म्यूट, प्लीज आई काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू आर्यन, म्यूट योर माइक एंड लिसन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर योर लाइफ एंड अबाउट द प्रोडक्ट नॉलेज, काइंडली लिसन। तो एलोवेरा ओपन करने के बाद में क्या होता है कि उसके अंदर में एयर एक बार चला जाता है, तो एक बार अगर आप एलोवेरा ओपन कर लेते हैं तो फिर उसको मैक्सिमम
15 डेज आप इसको राइट डाउन कर लीजिए और ये नीचे तक मैसेज दीजिए, 15 दिनों के अंदर में उस एलोवेरा जूस को फिनिश कर लीजिए। 3 महीना मत रखिए कि 2 दिन आज पिए, फिर 1 महीना के बाद 2 दिन पिएंगे, फिर अगले महीना 2 दिन बाद पिएंगे। 15 दिनों के अंदर उस एलोवेरा हाफ लीटर बोतल को फिनिश करना है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, एलोवेरा अगर एक बार आप ओपन कर लिए तो उसे बिल्कुल ठंडे जगह पे आपको रखना है। जब ओपन कर लेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ओपन कर लेने के बाद में ठंडे जगह पे रखिए। अगर आपके घर में फ्रिज है तो फ्रिज के अंदर में रखिए, फ्रिज नहीं है तो जहां पे आपका पानी का बर्तन रहता है, घड़ा रहता हो, उस जगह पे आप उसको रखिए। तीसरी बात, एलोवेरा को जब आप डेली यूज करने के लिए कैप ओपन करते हैं, ढक्कन खोलते हैं, तो एलोवेरा के बोतल को सेक कीजिए, हिलाइए बहुत अच्छी तरीके से, खोल के नहीं, ढक्कन बंद में ही, कैप क्लोज में ही आपको बोतल हिलाना है। और उसे कोशिश कीजिए कांच के गिलास में या कांच के कप में लेना है। सुबह खाली पेट में लेते हैं तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। एडल्ट के लिए 15 से 20 ml लेना है, ब्रश करने के बाद, बाथरूम से आने के बाद में पहले एलोवेरा लीजिए, 15 से 20 ml एडल्ट के लिए। अगर चाइल्ड है वो 8 साल, 10 साल, 12 साल तक का, तो 10 ml 2 बार दिन भर में, ट्वीस ए डे, बिफोर एम्प्टी स्टोमक एंड बिफोर मील और डिनर। और इसको लेने के कम एटलीस्ट 30 मिनट आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। अब ये मत बोलिएगा कि आर्या में कोई ट्रेनिंग नहीं देता है। सर, ट्रेनिंग बहुत सारी हम लोगों ने दिया है। मुझे परसों एक बात सुनने को आया बिहार के एक लीडर से कि आर्या में ट्रेनिंग नहीं होता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आर्या में ट्रेनिंग नहीं होता तो आज 8 साल का यह सुनहरा सफर तय नहीं कर पाती आर्या। अब अगर कोई लीडर अपने मन के अंदर में ईगो बिठा के बैठे हुए हैं कि नहीं मुझे यूएसए की कंपनी को ही प्रमोट करना है, मुझे हैदराबाद की कंपनी में काम करना है, तो ये अलग बात है। तो एलोवेरा लेने का आप तरीका समझ गए, लेने का 15 से 20 मिनट तक ले कुछ भी नहीं खाना पीना है। 15 से 20 मिनट के बाद में नॉर्मल 1 गिलास पानी आपको पीना है। फर्स्ट आफ्टर टेक एलोवेरा एंड आफ्टर 30 मिनट्स, फर्स्ट यू टेक ए नॉर्मल 1 ग्लास ऑफ वाटर, फिर आपको जो भी खाना पीना है आप कीजिए। शाम को भी इसी तरीके से, मतलब एलोवेरा लेने का 15 से 20 मिनट 30 मिनट तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। ओके, एलोवेरा लेने के बाद सबसे पहले ढक्कन को बंद करना है। आप गिलास में चम्मच से ले लिए, उसके बाद एलोवेरा का बोतल को बंद कीजिए, उसको खुला छोड़ के गप मत कीजिए, क्योंकि उसके अंदर में एयर में जो भी वायरस है, जो भी कीटाणु है, जो भी बैक्टीरिया है, उसके अंदर में जा रहे हैं। एलोवेरा कभी प्रीसी प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देना है। एलोवेरा वैसे को नहीं देना है जिनको सर्दी जुकाम है, साइनस का प्रॉब्लम है, लिकोरिया है। तो कुछ बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो एलोवेरा का जबरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है। सी बकथ्रन जूस को कैसे लेना है? सी बकथ्रन जूस को खाली पेट ले सकते हैं, या आप जब ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, नाश्ता करने जा रहे हैं, तो जैसे हम लोग जूस लेते हैं ब्रेकफास्ट में, छोटा सा कांच का गिलास में एडल्ट 15 से 20 ml लें, और ब्रेकफास्ट में रोटी चावल जो भी खाते हैं उससे पहले उसको ले लीजिए, फिर आप जैसे खाना खाते पीते हैं वैसे खाइए। रात को भी डिनर से पहले लीजिए, डिनर का टेबल पे ही ले लीजिए, या खाली पेट भी आप ले सकते हैं। मोरिंगो प्लस टेबलेट लेने का तरीका आप ध्यान से समझिए, या तो खाली पेट में लीजिए या फिर नाश्ते के प्लेट पे आप मोरिंगो टेबलेट रख लीजिए, ज्यादा फायदा करेगा। आप जब 4 कोर खाना खा लेते हैं उसके बाद उसी बीच में हल्का गर्म पानी से आप मोरिंगो टेबलेट खाइए, बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट देने वाला है। फेमिनो केयर फेमो आर्या, ये आपको बेटर रिजल्ट देगा नाश्ता के बाद, खाने के बाद में आप अगर लेते हैं। गैस का प्रॉब्लम है डेली, आप गैस के लिए कैप्सूल सुबह खाते हैं, बंद कीजिए। आप नाश्ते के बाद में पर डे डाइवोजाइन ड्रॉप
15 से 20 ड्रॉप हल्का गर्म पानी में शीशे के गिलास में लेना शुरू कर दीजिए, गैस आपको 7 डेज में खत्म हो जाएगी। जबरदस्त प्रोडक्ट है डाइगोजाइम ड्रॉप्स, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। पाइल्स के लिए पाइलोजेसिक, नाश्ता और खाने के बाद में नॉर्मल वाटर, और बेटर रिजल्ट चाहिए तो नॉर्मल दूध, कोई गर्म नहीं होना चाहिए ना ठंडा होना चाहिए। तो ऐसे प्रोडक्ट की बहुत सारी जानकारियां जिसके बारे में हम लोगों ने प्रिंटिंग भी कर रखा है, आप लोगों के पास गया भी है, आप स्टडी नहीं करते, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्सन में है, तो आपको जानकारी कैसे मिलेगी। प्रोडक्ट के बारे में भी आप बताइए, इसलिए मैं आज इस बात को बीच में जितेश जी को डिटेल करके मैं इस बात को रख रहा हूँ। इसी तरह से मैं आगे भी कोशिश करूंगा कि कुछ जानकारियां आपके बीच में मैं रखूं, लेकिन फिर मैं अपनी बातों को फिनिश करने से पहले, जितेश जी को माइक देने से पहले कहूंगा कि जो आज मैंने एक स्टोरी आपको सुनाई, वो स्टोरी सिर्फ स्टोरी नहीं है, वो रियलिटी है। आर्या का जो गर्म कंकड़ है वो बूस्टर बाइनरी है, जिन्होंने गलती कर दिया समुद्र में फेंकने की, छोड़िए उनकी किस्मत, लेकिन जिनके हाथ में अभी भी पकड़ा हुआ है ये आर्या का बूस्टर बाइनरी, आप जहां पे जाओगे वो हर चीज छूने से सोना बन जाएगा। तो दैट्स ऑल, अच्छा लगा आज बातचीत करके, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिनको हमारी बात अच्छी लगी हो और आगे जितेश जी की बात समझ में आए, मैं फिर से उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फॉलो कीजिए, और जिनको हम लोगों की बात हो सकती है अच्छी नहीं लगती हो, ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग, तो हम लोगों की बात आपके विरोध के लिए नहीं है, आपको दुख पहुंचाने के लिए नहीं है, और अगर हम लोगों की बात से कोई आपको कभी ठेस पहुंची हो, कुछ दुख पहुंचा हो, तो मैं पूरे आर्या वेलनेस फैमिली की ओर से, मिस्टर जितेश गाड़िया जी की ओर से भी मैं सॉरी कहता हूं, क्योंकि वी आर ए फैमिली मेंबर, फर्स्ट वी आर ए फैमिली मेंबर, देन वी आर ए बिजनेस मैन, हम बिजनेस बाद में करते हैं, पहले हमारे बीच में एक रिश्ता है, और आर्या डे फर्स्ट से रिलेशन बिल्डअप करने पे विश्वास रखी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को फिनिश करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आज का ये एपिसोड आप लोगों के लाइफ के लिए एक और नई टर्निंग पॉइंट लेके आएगी, और अगली जो है जूम कॉन्फ्रेंस, मैं बता दूं वो 3 अक्टूबर का है, तो फिर हम लोग उसमें बात करेंगे। ये जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि अपने डायरी में नोट कर लीजिए, एक रिक्वेस्ट मैं बार बार कर रहा था कि आप अपने टीम के साथ में आए, लेकिन अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है कि आप लोग टीम के साथ नहीं आ रहे हैं, ना नए लोगों को आप शेयर कर रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बायकॉट कर रहे हैं, वो छिपके किसी दूसरे नाम से पार्टिसिपेट करते हैं, तो अगर वो भी मेरी बात सुन रहे हैं और अच्छा लग रहा है, चलो जितेश जी ने कभी कोई मिस्टेक से कभी कुछ गलत बोल दिया हो, तो मैंने कहा ना कि उनके तरफ से मैं सॉरी कहता हूं, लेकिन ऐसा उनका कोई उद्देश्य नहीं था, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं रहा है और ना रहेगा। आप अपने टीम को पार्टिसिपेट कीजिए, जितेश जी ट्रेनर है, जितेश जी लीडर नहीं है, आपके टीम को ये अच्छा मुकाम पे पहुंचाने के लिए आए हैं। अगर ये वीडियो को लाइक करने कहते हैं तो आज मैं कहूंगा कि ये वीडियो लाइक अपनी करना ना बोलें, क्योंकि इनका वीडियो खुद यहाँ बन रहा है, और मैं बहुत कुछ परखने के बाद जितेश जी का लाया हूं कि एक जिंदगी भर की जोड़ी बने जैसे आपके साथ हमारी जोड़ी है, और जितेश जी भी हम लोग जैसे ही सोच और विचार वाले हैं, तभी मैं जितेश जी को लाया, विवेक बिंद्रा को नहीं लाया। ये बात आप समझिए, अगर मेरे पे विश्वास है, क्योंकि आप मेरे को जानते हैं 8 साल से, आपने देखा है कि जिस टेबल पे, जिस थाल में आपने जहां खाना खाए हैं, जहां खाना खाते थे टूर में, मैं उसी होटल में, उसी थाल में, उसी टेबल पे खाता था। जबकि आप आज उठा के इतिहास देख लीजिए, चाहे वो इंडिया की हैदराबाद की कंपनी हो, चाहे लुधियाना की कंपनी हो, चाहे भिलवाड़ा की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे यूएस की कंपनी हो, आप जिस होटल में रुकते हैं उस होटल में वो कभी नहीं रुकते हैं, आप जिस होटल का खाना खाते हैं वो कभी नहीं खाते हैं, मतलब वहां भी मालिक और नौकर वाली हालात है, जबकि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मालिक और नौकर वाली नहीं, समानता का व्यापार है, एक सोच वाले का व्यापार है, एक धर्म की व्यापार है ये। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।